In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Assalamu alaikum students, how are you? Students, now we are going to start English work. Students, आपको पता है हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आज हम किस चीज़ की रिवीजन करेंगे? आज हम कलर्स की रिवीजन करेंगे. पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 पे हमारे हैं कलर्स. राइट द नेम ऑफ द कलर्स. अब फर्स्ट कलर कौन सा है? आर ई डी रेड, बी एल यू ई ब्लू, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, जी आर डबल ई एन ग्रीन. अब इन्होंने फोर कलर्स दिए हुए हैं पेज नंबर 50 पर. तो अब ये देखें, रेड कलर में आपने उन्होंने ये चीज़ें भी बताई हुई हैं आपको कि कौन कौन सी चीज़ें रेड कलर में होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उन्होंने सिर्फ एक एक चीज़ को मेंशन किया हुआ है. रेड कलर में कौन सा क्या होता है? एप्पल. ब्लू कलर में क्या होता है? काइट. ऑरेंज, ऑरेंज कलर में ही होता है. ग्रीन कलर में क्या होता है? ट्री. तो आपने ये कलर्स नेम पहले भी लर्न किए हुए हैं, आज आपने ये कलर्स नेम दोबारा लर्न करने हैं विद स्पेलिंग, जैसे ये स्पेलिंग के साथ लिखे हुए हैं. आर ई डी रेड, बी एल यू ई ब्लू, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, जी आर डबल ई एन ग्रीन. तो आपने ये इनके विद स्पेलिंग कलर्स नेम ये लर्न करने हैं. और दूसरा, ये जो इन्होंने थिंग्स नहीं हुई है ना आपको, जैसे एप्पल, काइट, ऑरेंज, ट्री, तो आपने इनके स्पेलिंग भी लर्न करने हैं. एप्पल की क्या स्पेलिंग है? ए डबल पी एल ई. काइट के क्या स्पेलिंग है? के आई टी ई, काइट. ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज. ट्री, टी आर डबल ई ट्री. तो आपने ये कलर्स नेम के साथ साथ इन ये भी नेम याद करने हैं, इनके स्पेलिंग भी आपने याद करने हैं. अब आपने ये नोटबुक पे काम कैसे करना है? आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक ओपन की, आज का डे लिखा, सी डॉट डब्ल्यू लिखा, और आज की डेट लिखी. मिड में आपने लिखा कलर्स. अब आपने इधर मार्जिन लाइन लगाई, और दरमियान में भी स्टूडेंट्स आपने एक लाइन लगानी है. अब आपने फर्स्ट कलर कौन सा है हमारा? रेड. आपने यहाँ पे लिखा रेड, आर ई डी रेड. तो रेड कलर में बुक में आपको क्या बताया गया? एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल. अब सेकंड कलर कौन सा है? ब्लू, बी एल यू ई ब्लू. तो ब्लू में आपको क्या दिखाया उन्होंने? काइट. तो आपने यहाँ पे काइट लिखना है, यहाँ पे ब्लू लिखना है. फिर ऑरेंज, ऑरेंज. ग्रीन, ट्री. तो ये आपने ज़ुबानी लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये देख के काम नहीं करना, बुक से कॉपी नहीं करना, आपने ये स्पेलिंग याद करने हैं, और फिर ये ऐसे आपने नोटबुक पे लिखना है. और एक बार स्टूडेंट्स, जैसे ये देखने टीचर ने ज्वाइन करके लिखे हैं, आपने भी ऐसे ही ज्वाइनिंग राइटिंग में लिखने हैं. सेपरेट आप में से किसी का भी लिखा हुआ ना हो, हर वर्ड को आपने ज्वाइन करना है. जस्ट कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर को ज्वाइन नहीं करते, उसको नहीं करना. बाकी जब भी आपने लिखना है, जो भी वर्ड लिखना है, वो ज्वाइन करके लिखना है. ओके स्टूडेंट, नीट काम कीजिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.